अच्छा हम लोग प्रकाशिक यंत्र पढ़ रहे थे, प्रकाशिक यंत्र हम लोगों ने यौगिक सूक्ष्मदर्शी पढ़ा था, आज हम उत्तर पुष्प न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अपदर्शक लेंस द्वारा आवर्धन 8 है, यानी क्या दिया हुआ है, अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी MO इज इक्वल टू R। फिर कह रहे यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 3200, तो क्या कह रहा है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता यानी M दिया हुआ है, M इज इक्वल टू 32। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अभिनेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात होगी, अभिनेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता, इसको हम एम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एम ई तो हमें मालूम है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है एम बराबर एम ओ इंटू एम ई, तो यहां पे हमें क्या निकालना है, एम ई निकालना है, तो एम ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम अपान एम ओ, तो एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 32 है और एमओ की वैल्यू 8 है, ठीक है, 8 × 4 = 32, 4 टाइम्स एम ई इज इक्वल टू 4, यानी क्या आ गया, अतः अभिनेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर तथा श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25 है, नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो वस्तु के की अदृश्य दूरी तथा अदृश्य की फोकस दूरी ज्ञात कर ली है, तो यहां हमें क्या दिया हुआ है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है, सबसे पहले न्यूमेरिकल लगा लूंगा, वो चीजें नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं जो चीजें हमें नोन है, दी हुई है, तो सूक्ष्म दर्शी की लंबाई d इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25 है, श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता दी हुई है कितनी, 25 दी हुई है, और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी FE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमें मालूम है कि जो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई d होती है वो होती है d इज इक्वल टू वी ओ प्लस एफ ई, यहां पे वी ओ क्या है, अवदृश्यक से वस्तु की दूरी, d इज इक्वल टू होता है वी ओ प्लस एफ ई, तो अब हम यहां पे से d हमें पता है d कितना है 14 दिया हुआ है, तो यहां से हमें VO निकालना है, तो ये हो जाएगा D माइनस FE, D की वैल्यू 14 और FE की वैल्यू 5, ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब हमें मालूम है श्रांत आंख के लिए नेत्र के लिए प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बनता है,
तो शांत नेत्र के लिए प्रतिबिंब अनंत प्रतिबिंब है, तो जो हम यहां पे आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला लगाएंगे वो हो जाएगा m इज इक्वल टू आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू माइनस वीओ अपान डी ओ, ये फॉर्मूला होता है डी अपान एफ ई। लास्ट वीडियो में इसका हमने डेरिवेशन कराया था, दो केसेस बताए थे, एक स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर, दूसरा अनंत पर। जो हमने यहाँ पे अनंत पे जो फॉर्मूला लिखवाए थे आवर्धन क्षमता के लिए, उसका हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। एम इज इक्वल टू माइनस वी जीरो अपान यू जीरो इंटू डी अपान एफ ई। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, शांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता कितनी है 25। तो हम इसको साइन के साथ में यूज करेंगे, तो आवर्धन क्षमता क्या होती है यहाँ पे, ये हो जाएगी माइनस में हम साइन के साथ लेंगे, तो ये हो जाएगा एम की जगह हो जाएगा माइनस 25। साइन कन्वेंशन सारा ध्यान रखते हुए हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 9 अपान यू जीरो इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 25 अपान 5। तो यहां से यू जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा 9 अपान 5, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 1.8 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा था, वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी, तो वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी क्या होती है यू जीरो, तो यू जीरो कितना आ गया 1.8 सेंटीमीटर। अब हम इसका दूसरा पार्ट लगाएंगे, क्या पूछ रहा है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी। अब फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। तो यहां से क्या होगा, अब जैसे के लिए यूज करें 1 अपॉन f o इज इक्वल टू 1 अपॉन v0 माइनस 1 अपॉन u0। अब सारे वैल्यूज हम यहां पे साइन के साथ में रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन f o इज इक्वल टू 1 अपॉन v0 माइनस 1 अपॉन u0 की वैल्यू कितनी आई थी 9 अपॉन 5, तो जाएगा माइनस 9 अपॉन 5। हम जो भी वैल्यू रखेंगे उचित चिन्ह को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा v0, v0 की वैल्यू थी 1, कितनी आई थी v0 की 9 आई थी, तो यहाँ पे इसकी भी वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 9 प्लस 5 बाई 9, यानी कितना आ जाएगा 6 अपॉन 9। तो यहाँ से f को कितना हो जाएगा 9 अपॉन 6, ये हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। यदि शांत आंख के लिए आवर्धन क्षमता 45 है तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी यानी एफ ओ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, तो एफ ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहां पे एम दिया हुआ है माइनस 45। अब हमें श्रांत आंख के लिए मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन क्षमता का m इज इक्वल टू माइनस वी जीरो अपान यू जीरो इंटू डी अपान एफ ई। तो यहां से ये हो जाएगा माइनस 45, और किसकी वैल्यू दी हुई है, d की दी हुई है और एफ ई की दी हुई है, तो ये हो जाएगा माइनस वी जीरो अपॉन यू जीरो, डी की वैल्यू कितनी होती है 25, एफ ई कितना है 5। तो यहां से वी जीरो अपॉन यू जीरो
is s plus plus five. तो v zero अपान u zero की वैल्यू आ जाएगी 9. तो यहां से u zero कितना हो जाएगा, v zero अपान 9. तब क्वेश्चन में क्या दिया होता, अब दर्शक लेंस की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर तथा आवर्धन क्षमता m is equal to minus 45 होता है. तो श्रांत आंख के लिए जो आवर्धन क्षमता होती है होती है m is equal to minus v zero upon u zero into d upon fe. इस फॉर्मूले में m और d और fe की वैल्यू रख देंगे तो वहां से आ जाएगा v zero upon u zero is equal to 9. तो यहां से u zero is equal to कितना जाएगा, v zero upon 9. अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है. तो लंबाई ज्ञात कर क्या फॉर्मूला क्या होता है, d is equal to v zero plus f e. तो हमें f e पता है लेकिन यहां पे हमें v zero नहीं पता है, तो उसके लिए पहले v zero फॉर्म आउट करेंगे. तो 1 upon f o less का सूत्र लगाएंगे, 1 upon v zero minus 1 upon u zero. यहां पे हम सारी वैल्यू साइन के साथ में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 upon 1 is equal to 1 upon v zero. अब u zero की वैल्यू कितनी आएगी, u zero की वैल्यू आई थी v zero upon 9. तो यहां पे जब ये वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस v zero upon 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा तो प्लस 9 upon v zero यानी 10 upon v zero. तो यहां से v zero की वैल्यू कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर. अब d is equal to क्या होता है, v zero plus fe. तो v zero की वैल्यू 10, fe की वैल्यू 5 यानी कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर. अतः सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर.